Yes, students, today I will start with February Revolution. And before February Revolution, I have covered the topic causes of revolution. There were 5 causes of revolution, why people revolted. Then after this, I have discussed with you Bloody Sunday incident, 1905 incident, and then impact of First World War on the economy of Russia. And this impact of First World War led to revolution in the month of February during the war. Yani ki war abhi khatam nahi hui thi, war ke beech mein hi Russia ke logo ne Tsar ko support karna band kar diya. So this was the reason of February Revolution. And I have discussed also, ये हमने वेकेशन से पहले किया था, मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करके आगे नेक्स्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट करूंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पहले फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. ठीक है बच्चे, इसको पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. क्यों? आपको बच्चे पता होगा कि रशिया के जो लोग थे, ठीक है, दे हेटेड जर्मन ओरिजिन, और जारीना अलेक्जेंड्रा शी आल्सो बिलोंग टू जर्मनी, एंड रास्पुतिन जो उनके फॉलोअर थे वो भी जर्मनी से बिलोंग करते थे. बिकॉज जर्मनी वॉज अ एंटी पार्टी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एक तरफ फर्स्ट वर्ल्ड में मैंने आपको बताया था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की थी, और दूसरी तरफ कौन सी कंट्री थी? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया. सो दैट्स वाई पीपल ऑफ रशिया दे हेटेड जर्मन ओरिजिन. और इसीलिए रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग जो सिटी थी, जो एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, उसका नेम चेंज करके क्या रखा गया? पेट्रोग्रेड. तो हम उसी एरिया की बात कर रहे हैं कि उस एरिया का नेम चेंज किया और वहां पे रेवोल्यूशन हुआ, इसलिए इसको पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. इसके अलावा इसको मेंशेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं. व्हाई? बिकॉज मेंशेविक वाज द नेम ऑफ द पार्टी, दैट पार्टी लीड द रेवोल्यूशन. And who was the head of this party? Kerensky. Kerensky was the head of this party. And ultimately, February Revolution जो था, वो इस particular जो political party था, जो उनके leader थे, उन्होंने इसको lead किया था. इसीलिए चाहे आपको February Revolution पूछा जाए, चाहे Petrograd, चाहे Menshevik, answer will be the same. ठीक है? तो year आपने जरूर याद रखना है. February Revolution का year कौन सा था? 1917. यानी कि आपको याद रखना है कि First World War से पहले ही. यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बंद हुई थी 1918 में, लेकिन उससे पहले ही फरवरी में रेवोल्यूशन जो है वो रशिया में. फिर आपको इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, 22 फरवरी. ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है कि 22 फरवरी को क्या हुआ था. ठीक है, लॉकआउट का मतलब होता है फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो जाना. अब आपको पता है कि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ा था एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी. द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू रन द इंडस्ट्रीज प्रॉपरली. ठीक है, अब कंट्री अगर इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, तो उसके लिए वर्कर्स, इंडस्ट्रियल जो लेबर होती है, लेबर क्लास सफर करेगी. एंड दिस वॉज द मेन रीजन ऑन 22 फरवरी लॉकआउट हेल्ड इन द फैक्ट्री. ठीक है, एक फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ एंड उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे, दे बिकेम अनएम्प्लॉयड. Already war was going on, so many people they died of starvation. Wages were very low. Government was not able to give them proper salaries and wages. And the city which we are talking about, that is Petrograd city. This was the main reason. 22 फरवरी में lockout हुआ. That was the main reason of this revolution. उसके बाद next फिर ये day wise जो है वो continue होता गया. 23 फरवरी यानी कि अगले दिन बहुत से वर्कर्स इकट्ठे हुए आसपास के एरिया, जितने भी ऐसी फैक्ट्रीज थी जिन फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया था, उन फैक्ट्री के वर्कर्स जो थे वो इकट्ठे हुए एंड उन्होंने क्या किया? दे कॉल फॉर स्ट्राइक. यानी कि उन फैक्ट्री वर्कर्स ने क्या किया? दे कॉल स्ट्राइक. स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं. स्ट्राइक का मतलब है एजिटेशन कर रहे हैं, ताकि ज़ार निकोलस को उनकी कंडीशन के बारे में पता लगे. और ज़ार निकोलस को जब उनके बारे में पता लगा, तो ज़ार ने क्या किया? इम्पोज कर्फ्यू. कर्फ्यू मतलब कि जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते. लेकिन जब लोग
लोगों को कितनी देर तक अपने घरों में बंद रख सकते हैं? जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा, वेजेस नहीं मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो रिवोल्ट करेंगे और अपने घरों से बाहर आएंगे। दिस हैपन, ठीक है, 23 फरवरी के बाद 24 को सभी लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से निकलकर नेवा रिवर, जो पेट्रोग्रेड सिटी में एक रिवर थी नेवा रिवर, ये रिवर जो थी वो सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी। एक तरफ था लोअर यानी कि कॉमन पीपल और दूसरी तरफ थे विंटर पैलेस या जो भी वीआईपी मिनिस्टर्स थे उनके पैलेसेस या उनके एरियाज या उनके मैंशंस। तो दीज पीपल क्रॉस द रिवर नेवा, नेवा रिवर को क्रॉस किया और वो विंटर पैलेस की तरफ जो है वो मार्च स्टार्ट किया। ये सुनते ही जार निकोलस ने क्या किया, 25 फरवरी ही सस्पेंडेड ड्यूमा। व्हाट वाज ड्यूमा? ड्यूमा वाज द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे, एमरजेंसी। पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का मतलब है कंट्री में एमरजेंसी लगा देना। सो ये भी लोगों को जो है वो अच्छा नहीं लगा कि जार ने बिना किसी प्रपोजल के, बिना लोगों से पूछे ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया, पार्लियामेंट को ही खत्म कर दिया। क्योंकि अब ऑन द होल जो डिसीजन था वो सारा डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो किसके हाथ में आ गई, जार निकोलस सेकंड। वैसे भी ये ड्यूमा जो थी वो कंजर्वेटिव्स ज्यादा थे, लेकिन फिर भी जार निकोलस सेकंड ने लोगों को एक लेसन देने के लिए ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद अब अल्टीमेटली लोगों ने जो है वो जो अपने जो उनकी डिमांड्स थी, हर तरफ से डिमांड्स जो है वो जार निकोलस सेकंड के पास पहुंचने लगी। सम पीपल डिमांडेड हायर वेजेस, सम पीपल दे डिमांडेड फैक्ट्री शुड बी ओपन, सम पीपल दे डिमांडेड दैट दे शुड बी गिवन ब्रेड एट लो मतलब प्राइसेस, ब्रेड जो है वो कम रेट पे मिलने चाहिए। तो लोगों ने एक स्लोगन बना लिया, ब्रेड वेजेस एंड डेमोक्रेसी। यानी कि लोगों को क्या चाहिए, खाना, वेजेस मतलब सैलरी एंड डेमोक्रेसी। ये स्लोगन उस टाइम में बहुत फेमस हुआ, ब्रेड वेजेस एंड डेमोक्रेसी। ब्रेड मीन्स उनको प्रॉपर खाना चाहिए, वेजेस मीन्स सैलरीज चाहिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है उनकी अपनी गवर्नमेंट, सेल्फ चूजन गवर्नमेंट शुड बी। तो अब ये जो था स्लोगन, ये मेंशेविक पार्टी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी या इनके जो लीडर्स थे, जो करेंसकी था, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। और हर तरह के जो लोग थे, चाहे वो वर्कर्स थे, चाहे फार्मर्स थे, इवन सोल्जर्स, दे आल्सो सपोर्टेड दिस पॉलिटिकल पार्टी। बिकॉज हर तरह से जो लोग थे दे वर फेड अप फ्रॉम द वॉर। वॉर टाइम पीरियड में हर जो ग्रुप था, चाहे वो फार्मर्स थे, चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, चाहे वो किसी भी तरह से कॉमन पीपल थे या प्रोफेशनल्स थे, दे सफर्ड अ लॉट। चाहे सोल्जर्स भी थे, सोल्जर्स दे वर आल्सो फेड अप फ्रॉम द वॉर। सो आपने ये इसके बारे में बताना है दैट मेंशेविक पार्टी वॉज सपोर्टेड बाय सोल्जर्स, वर्कर्स, फार्मर्स, ठीक है। एंड इस तरह से जो जार निकोलस सेकंड जो थे उनको एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म जो है वो मिला ड्यूरिंग पर्टिकुलर वॉर टाइम पीरियड। ठीक है, फिर 27 फरवरी, ये जो भी हुआ वो 22 से 27 के बीच में हुआ, इसलिए इसको फरवरी रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, 27 फरवरी को सोल्जर्स, वर्कर्स और मेंशेविक पार्टी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे दे एंटर्ड इन द बिल्डिंग ऑफ ड्यूमा। 27 फरवरी को दे एंटर्ड इन द बिल्डिंग, जबरदस्ती उस बिल्डिंग में चले गए। सपोज हमारी, जैसे हमारी कंट्री का पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है, वो पूरी प्रॉपर एक दिल्ली में बिल्डिंग है, इसी तरह से जो वर्कर्स, मेंशेविक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स, सम पीपल दे बिलोंग टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, दे एंटर्ड इनटू द बिल्डिंग ऑफ ड्यूमा। ठीक है, वहां पे बिल्डिंग में जाकर उन्होंने एक अपने आप को एक असेंबली डिक्लेयर किया। आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे नेशनल असेंबली बनाई गई थी, इसी तरह से इन लोगों ने ड्यूमा में एंट्री ली एंड दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज, उन्होंने अपने आप की ये जो एसोसिएशन का नाम आपने याद रखना है, इन्होंने इस एसोसिएशन का नाम क्या दिया, पेट्रो ग्रेट सोवियत। ठीक है, आपने क्या याद रखना है, ऑन 27 फरवरी दे एंटर्ड इनटू द बिल्डिंग ऑफ ड्यूमा एंड दे डिक्लेयर themselves, तो इन्होंने डिक्लेयर किया रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंशेविक
रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सोल्जर्स वर्कर्स एंड फार्मर्स, ठीक है। अब बिल्डिंग में सभी लोग तो नहीं जा सकते हैं, सम पीपल दे एंटर्ड एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज पेट्रोग्रेड सोवियट। उन्होंने कहा कि किंग ने ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया है, लेकिन हम अपनी एक एसोसिएशन बनाएंगे। दिस एसोसिएशन, सोवियत का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ और काउंसिल, और एक तरह से एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनको लेजिस्लेशन में या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन में। और ये पेट्रोग्रेड सोवियत जो थी, दैट वॉज काइंड ऑफ नेशनल असेंबली, एक तरह से ये लोगों की असेंबली थी, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में बनी थी, ऐसे ही ये क्या बनी, पेट्रोग्रेड सोवियत, ठीक है। 27 फरवरी, यानी कि जो भी हुआ बच्चे, ये विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पीरियड, 22 से स्टार्ट हुआ, 27 तक लोगों ने पेट्रोग्रेड सोवियत बना ली। और अल्टीमेटली फिर इस पेट्रोग्रेड सोवियत के जो डेलीगेट्स थे, डेलीगेट्स का मतलब मेंबर्स, दे मेट विद द किंग, वो जार निकोला सेकंड से मिले, और जार निकोला सेकंड को अपनी पावर्स एब्डिगेट करने के लिए कहा गया। एब्डिगेट करना मतलब क्या होता है, पोस्ट को छोड़ देना। तो फिर आपने इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, 2 मार्च, ऑन 2 मार्च जार निकोला सेकंड ही एब्डिगेट। एब्डिगेट का मतलब होता है टू लीव हिज पोस्ट, यानी कि किंग की पोस्ट को छोड़ देना। अब किंग अपनी पोस्ट को छोड़ देगा तो अल्टीमेटली कंट्री को कौन, किसने संभाला, द कंट्री वॉज रूल्ड बाय मेंशेविक पॉलिटिकल पार्टी। और ये डिसाइड किया गया प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, इलेक्शंस नहीं हुए बच्चे, 2 मार्च के बाद इलेक्शंस नहीं करवाए गए, क्योंकि उस टाइम पर जो था इलेक्शंस का प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं था, वॉर वॉज ऑलरेडी गोइंग ऑन। सो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो गवर्नमेंट बनी, दैट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय मेंशेविक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। एंड लीडर ऑफ मेंशेविक पार्टी कौन थे, केरेंस्की। तो केरेंस्की ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, उनको प्राइम मिनिस्टर, यानी कि पहले जो किंग की पोस्ट थी उसको खत्म कर दिया, एंड केरेंस्की ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर विदाउट इलेक्शंस। ये याद रखना है, कंट्री में इलेक्शंस नहीं हुए, विदाउट इलेक्शंस केरेंस्की वॉज डिक्लेयर्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट थी इसको प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। प्रोविजनल का मतलब होता है कुछ देर के लिए, प्रोविजन के बेसिस के बनाई जाती है, जो इलेक्शन के बेसिस के ऊपर नहीं होती। प्रोविजनल बेसिस भी कहा जाता है, प्रोविंशियल भी कहा जाता है। प्रोविजनल और प्रोविंशियल। सो हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर यू कैन से फरवरी रेवोल्यूशन, तो आपको याद रखना है केरेंस्की फ्रॉम मेंशेविक पार्टी, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। एंड उनकी जो गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है कुछ देर के लिए, टेम्पररी, ठीक है। और प्रोविंशियल, प्रोविंशियल का मतलब होता है कि प्रोविंसेस, कुछ प्रोविंसेस को उन्होंने लीड किया। सो दिस वॉज द यू कैन से विक्ट्री ऑफ द पीपल, करेंस्की का जीतना, करेंस्की का लीडर बनना, अल्टीमेटली मोनार्की को हटा दिया, ऑटोक्रेटिक सिस्टम को खत्म कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को जो है वो एक होप मिली कि डेमोक्रेटिक आइडियाज जो हैं वो कंट्री में इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन अभी भी मेंशेविक पार्टी के ऊपर कंट्रोल ज्यादा किसका था, रिच पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट। अभी भी दिस पार्टी वॉज कंट्रोल्ड बाय रिच पीपल एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, क्लियर। तो ये था सारा फरवरी रेवोल्यूशन। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था, दैट वॉज कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, देन ब्लडी संडे इंसिडेंट, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया फरवरी रेवोल्यूशन, या इसको मेंशेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब फरवरी के बाद सेम ईयर, यानी कि उसी पर्टिकुलर ईयर में कंट्री में फिर से रेवोल्यूशन हुआ, एंड दिस रेवोल्यूशन इज नोन एज अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब
हम स्टडी करेंगे कि फरवरी के बाद क्या ऐसा हुआ कि कंट्री में एक और रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, इसका रीजन क्या था? मेंशेविक पार्टी की वीकनेसेस, प्रॉब्लम्स। तब जब करेंसकी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसमें हमने ये बताना है कि करेंसकी जो गवर्नमेंट थी दैट वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ कॉमन पीपल। मेंशेविक पार्टी, लोगों को लगा था कि डेमोक्रेटिक आइडियाज कंट्री में इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फरवरी के बाद अक्टूबर में फिर से रेवोल्यूशन आने की जो मेन रीजन था दैट वाज प्रॉब्लम्स एंड वीकनेसेस ऑफ मेंशेविक और करेंसकी प्रोविजनल गवर्नमेंट। करेंसकी की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी या जो मेंशेविक पार्टी थी उसकी बहुत ही वीकनेसेस, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि कंट्री में फिर से एक रेवोल्यूशन जो है वो अक्टूबर के मंथ में। अब इसको क्या कहा जाता है? बोल्शेविक रेवोल्यूशन। क्यों? बिकॉज दिस रेवोल्यूशन वॉज लेड बाय बोल्शेविक एंड इसके लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। लेनिन जो इस पार्टी के मेन लीडर थे, LENIN, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और हु लेड दिस रेवोल्यूशन? लेनिन अंडर हिज बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, तो फरवरी के बाद, अब हमने मंथ जो है वो फरवरी ही लेना है, उसके बाद हम इसकी इवेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि फरवरी से पहले जो व्लादिमीर लेनिन थे इनको एग्जाइल दे दिया था। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन करने के लिए इनको कंट्री से बाहर निकाल दिया था। लेकिन जब करेंसकी की गवर्नमेंट बनी तो लेनिन ही केम बैक, वो कंट्री में वापस आए। ठीक है, और आपको याद है कि 2 मार्च कोकिंग जो थे उन्होंने अपनी पोस्ट को एब्डिकेट कर दिया था और उसके बाद मेंशेविक पार्टी जो है वो बनी। तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ अप्रैल के मंथ में, यानी कि मार्च में जब लेनिन वापस आए तो उन्होंने पूरा मेंशेविक पार्टी को ऑब्जर्व किया और मेंशेविक पार्टी की प्रॉब्लम्स या वीकनेसेस को देखते हुए उन्होंने अपनी कुछ जो है वो डिमांड्स रखी। उनकी इन डिमांड्स को क्या कहा जाता है? अप्रैल थीसिस। ठीक है, तो जब भी हम अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में बताएंगे हमने ये बताना है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन का मेन जो रीजन, व्हाट वाज द मेन रीजन? द मेन रीजन ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन वाज द वीकनेस ऑफ मेंशेविक पार्टी एंड मेंशेविक पार्टी वाज लेड बाय केरेंस्की एंड व्हेन लेनिन ही केम बैक इन रशिया ही ऑब्जर्व द वीकनेसेस ऑफ पार्टी एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल ही पुट सम डिमांड्स। उन्होंने कुछ डिमांड्स जो थी वो रखी कि उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए और इन डिमांड्स को क्या कहा गया? लेनिन की डिमांड्स भी कहा जाता है इसको या अप्रैल थीसिस भी कहा जाता है। अब सबसे पहले उसकी डिमांड क्या थी? फर्स्ट डिमांड अप्रैल थीसिस। अगर आपको मैं पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय अप्रैल थीसिस, तो आपने ये बताना है कि अप्रैल थीसिस वर डिमांड्स, सम ऑफ द डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय लेनिन। ठीक है, वॉर टू बी क्लोज, लेनिन ने सबसे पहले डिमांड क्या की कि वॉर को बंद किया जाए। ठीक है, तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया लेनिन को और लेनिन के सपोर्ट के कारण लोगों को लग रहा था कि अगर करेंसकी वॉर नहीं बंद करवा पाए तो वो लेनिन को सपोर्ट करेंगे ताकि वो वॉर को जो है वो बंद करें। सेकंड, लैंड शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? दैट लैंड शुड बी अनलिमिटेड लैंड वॉज एट दैट टाइम अंडर द कंट्रोल ऑफ रिच पीपल, रिच लैंडलॉर्ड्स। लैंड शुड बी टेकन फ्रॉम रिच पीपल एंड शुड बी गिवन टू पुअर पीपल, पुअर फार्मर्स, दोज हु वर लैंडलेस। तो ये एक और डिमांड उन्होंने रखी। थर्ड, बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड।
बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए मींस शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जब बैंक्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे तो बैंक्स के पास या गवर्नमेंट के पास पूरी डिटेल होगी कि लोगों के पास कितनी मनी है, कितना विड्रॉ करवाया जा रहा है, कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, और ताकि जो करेंसी है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे, ठीक है। देन और उन्होंने क्या कहा, राइट शुड बी गिवन टू नॉन रशियन, बहुत से लोग ऐसे थे जो रशियन सिटीजन्स नहीं थे, बट दे वर लिविंग इन रशिया, बॉर्न सिटीजन्स नहीं थे, तो उनको राइट्स प्रॉपर नहीं मिले, तो लेनिन ने ये कहा कि नॉन रशियन जो है उनको क्या दिए जाए, प्रॉपर राइट्स दिए जाए। तो ये लेनिन की डिमांड्स थी, और इन डिमांड्स को मेंशेविक पार्टी या करेंसकी पार्टी जो थी वो पूरा नहीं कर पाई। तो लेनिन ने उस टाइम पीरियड में लोगों को कन्विंस किया कि आप मुझे सपोर्ट करो ताकि हम करेंसकी गवर्नमेंट को हटाकर अपनी गवर्नमेंट बनाए और इन डिमांड्स को फुलफिल किया जाए, पूरा किया जाए। तो लोगों को ये लगा कि अगर हम लेनिन को सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अप्रैल थीसिस से उनको बेनिफिट मिला। सो एट दैट टाइम मैनी पीपल दे सपोर्टेड लेनिन, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग बोल्शेविक। जो लोग पहले मेंशेविक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, नाउ दे स्टार्टेड सपोर्टिंग व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी, ठीक है। तो सबसे पहले अक्टूबर रेवोल्यूशन में आपने ये बताना है, ठीक है, शॉर्ट में बताओगे अप्रैल थीसिस के बारे में। अगर अप्रैल थीसिस के बारे में डिटेल में आता है तो पूरी तरह से इसको डिटेल करोगे, अदरवाइज आपने पॉइंट अक्टूबर रेवोल्यूशन में जो फर्स्ट पॉइंट बताना है इसको शॉर्ट में आप एक्सप्लेन करोगे। देन फिर आपने बताना है प्रॉब्लम्स ऑफ करेंसकी, कि क्या क्या प्रॉब्लम थी करेंसकी, विच वर द रीजंस, वीकनेसेस बतानी है। Problems of Menshevik, ठीक है, इसमें आप बता सकते हो that Kerensky was not able to satisfy food shortage. Country में food shortage already थी, तो ये main problem थी कि that Menshevik party और Kerensky was not able to solve the food shortage in the country. Then he was not able to solve the problems of farmers also. यानी कि उस time period में farmers जो landless थे, जिनके पास proper land नहीं थी या जिनको हाई रेंट गवर्नमेंट को देना पड़ता था, उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो मेंशेविक पार्टी वाज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, लैंडलेस, जो लैंडलेस लोग। देन ही वाज नॉट एबल टू सेटिस्फाई द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स आल्सो। वर्कर्स ने क्या डिमांड किया था, सैलरीज, वेजेस, हायर वेजेस। तो वॉर ऑलरेडी चल रही थी, और जब वॉर चल रही होती है तो उस टाइम पीरियड में कंट्री की प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं होती कि वो लोगों को सैलरीज दे पाए। तो ये भी एक वीकनेस थी कि जो वर्कर्स थे दे वर डिमांडिंग हायर सैलरीज, हायर वेजेस, व्हाट मेंशेविक पार्टी वाज नॉट एबल टू गिव देम हायर वेजेस। देन सोल्जर्स, जिन सोल्जर्स ने मेंशेविक पार्टी को सपोर्ट किया था इस उम्मीद में कि वॉर बंद हो जाएगी और वो अपने अपने घर वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो सोल्जर्स दे वर आल्सो फेड अप, पहले वो ज़ार निकोलस सेकंड से फेड अप थे, नाउ दे वर फेड अप विद द मेंशेविक पार्टी आल्सो, बिकॉज मेंशेविक पार्टी वाज नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट to close the war. So हम ये कह सकते हैं कि economic problem was there, social problem was there, food shortage was there, riots, riots का मतलब होता है फिर attack करना, many people they attacked on the bread shop, लोगों को जब खाना नहीं मिलता तो automatically वो क्या करते हैं, फिर attack करते हैं, ठीक है। And one more thing, elections were not conducted. Country में Menshevik party जब बनाई गई, government बनाई गई, वो बिना elections के बनाई गई, तो democracy कहाँ थी? लोगों को लग रहा था कि डेमोक्रेसी आएगी, पर डेमोक्रेसी नहीं आई क्योंकि इलेक्शंस ही नहीं हो पाए। मार्च के मंथ के बाद अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल के बाद आगे अगर देखा जाए, अप्रैल के बाद, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मंथ थे उसमें इलेक्शंस नहीं करवाए गए। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने फिर लेनिन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब लोगों को ये लगा कि लेनिन ही उनके लिए जो है अप्रैल थीसिस की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करके उनकी इकोनॉमी को साउंड कर, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर यही प्रॉब्लम्स आगे जाकर जून, जुलाई, अगस्त सितंबर तक सारी प्लानिंग जो है वो चलती रही। लेनिन ने प्रॉपर जो है वो प्लानिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लेनिन ने अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है उसको प्लान किया। अब प्लान कैसे किया वो हमने इसमें बताना मेन दैट लेनिन, नेक्स्ट आप बताओगे नेक्स्ट पॉइंट में, लेनिन ही फॉर्म्ड मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी।
ठीक है। और मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई लेनिन ने ताकि इसमें सोल्जर्स को अपने साथ लिया जाए विंटर पैलेस पे अटैक करने के लिए। और इस कमेटी के हेड जो थे वो कौन बनाए गए? लियोन लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की, ठीक है। आपने यह याद रखना है कि लेनिन ही फॉर्म द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी एंड द हेड ऑफ दिस कमेटी वॉज लियोन ट्रॉट्स्की। अब आपने तीन में याद रखने नेम, करेंसकी, करेंसकी वॉज द हेड ऑफ मेंशेविक एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। व्लादिमीर लेनिन वॉज द हेड ऑफ बोल्शेविक पार्टी एंड लियोन ट्रॉट्स्की वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। ये कमेटी का मेन काम क्या था? टू प्लान रेवोल्यूशन इन द कंट्री, ठीक है, कंट्री में रेवोल्यूशन को प्लान करना। और इस तरह से द डेट वॉज डिसाइडेड, विच डेट वॉज डिसाइडेड टू प्लान रेवोल्यूशन इन द कंट्री? 24th अक्टूबर। ये इंपॉर्टेंट डेट आपने याद रखनी है दैट ऑन 24th अक्टूबर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी दे अटैक ऑन विंटर पैलेस। उन्होंने विंटर पैलेस पे अटैक किया एंड करेंसकी वॉज एबल टू, यू कैन से ही वॉज एबल टू सर्वाइव फ्रॉम द पैलेस। यानी कि वो पैलेस से, वो सर्वाइव का मतलब होता है कि वो पैलेस छोड़कर चला गया एंड पूरा पैलेस जो था वो इस कमेटी के अंदर था। और इस तरह से लेनिन जो था उन्होंने पूरा विंटर पैलेस जो है वो सीज कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और अल्टीमेटली करेंसकी जो थे वो कंट्री छोड़कर चले गए। और उसके बाद 24th अक्टूबर के बाद लेनिन ही बिकेम द न्यू रूलर लीडर और यू कैन से प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया इन प्लेस ऑफ करेंसकी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। यहां तक आपने बताना है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है, व्हाट डू यू नो अबाउट अक्टूबर रेवोल्यूशन? तो सबसे पहले आपने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन बताना है। उसके बाद सेकेंड आपने बताना है कि विच वर द मेन reasons, क्या reasons थे कि क्यों लोगों को फिर रेवोल्यूशन प्लान करना पड़ा, प्रॉब्लम्स क्या थी। देन थर्ड फिर आपने बताना है अप्रैल थीसिस दैट लेनिन ही पुट फॉरवर्ड मैनी डिमांड्स। देन फिर फोर्थ आपने बताना है दैट प्रॉब्लम्स ऑफ करेंसकी, क्या क्या करेंसकी की प्रॉब्लम्स थी। फिफ्थ आपने फिर बताना है दैट हाउ दिस रेवोल्यूशन वॉज प्लान एंड कौन चेयरमैन थे, कौन हेड थे इस कमेटी के और उनकी हेल्प से किस तरह से विंटर पैलेस पे अटैक किया एंड करेंसकी जो थे वो कंट्री छोड़कर चले गए और उनकी जगह पर फिर कौन बने? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर लेनिन 24th अक्टूबर, ठीक है। 24th अक्टूबर को ये हुआ तो इसीलिए इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन कहा जाता है और फिर से हम कहते हैं कि गवर्नमेंट चेंज। क्लियर? यस।